चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता आज भी देशभक्तों के मन में उत्साह भर देती है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजाने वाली रानी लक्ष्मीबाई आज भी देशभक्तों के लिए प्रेरणा है, महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सोचती हूँ तो लगता है कैसे एक महिला होकर उनमें इतनी बहादुरी थी कि अंग्रेजों की ताकतवर सेना से इतनी बहादुरी से अपनी छोटी सी सेना के साथ लड़े। रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम और शौर्य आज की नारियों के लिए प्रेरणास्पद। अंग्रेजों के सामने उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी सांस तक अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधी लड़ती रही और अपनी प्राण मातृभूमि की रक्षा के लिए नौछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, प्यार से वो मनु बुलाई जाती थी। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस की मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे, माता भागीरथी बाई धर्मनिष्ठ स्वभाव की घरेलू महिला थी। दुर्भाग्य से उनका देहांत बहुत जल्दी हो गया। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था तो पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल प्यारी मनु को लोग प्यार से छवीली कहकर बुलाने लगे। पेशवा के यहाँ ही छवीली मनु की शिक्षा की व्यवस्था हुई। यहाँ उन्होंने ब्राह्मणों से शास्त्र पढ़े और सैनिकों से शस्त्र चलाना सीखा। खुद नाना साहब पेशवा उन्हें घुड़सवारी और तलवार चलाना सिखाते थे। तेज तर्रार तीव्र बुद्धि मनु ने सारी विद्याएं बहुत जल्दी सीख ली और पारंगत हो गई। 12 वर्ष की उम्र में ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ तो मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। विवाह के कुछ ही समय पश्चात उन्होंने पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्य से कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने एक बालक गोद लिया जिसका नाम भी दामोदर राव ही रखा गया। कुछ बीमारी कुछ पुत्र शोक में राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। पूरी झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजी सरकार इसी ताक में थी, उसने अपने कुटिल गोद नीति के चलते झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने की घोषणा कर दी। रानी ललकार उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी से खुद को संभाला। कुटिल अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए तोपों को किले पर लगा दिया। अंग्रेज सेनापति हीरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर हैरान रह गया था। रानी लक्ष्मीबाई रणचंडी का रूप धारण किए दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधे शौर्य से लड़ती रही। रानी की सखियां झलकारी बाई और मुंदर देवी सखियों ने भी रणभूमि में अपना कौशल खूब दिखाया। सबने सलाह दी कि रानी कालपी की ओर चली जाए। कैप्टन वाकर पीछा करता कालपी भी पहुंच गया। क्रांतिकारियों को ग्वालियर जाना पड़ा। क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, किंतु 18 जून को हीरो स्वयं युद्धभूमि में आ डटा। किसी ने तो गद्दारी की थी, अपनों ने ही शायद। रानी ने दामोदर राव को एक सैनिक को सौंप दिया, खुद अंग्रेजों से लोहा लेने लगी। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर पाया और एक अंग्रेज सैनिक ने रानी के सिर पर वार कर दिया। घायल होते हुए बहादुर रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को काट डाला और अपने प्राण त्याग दिए। वहीं कुटी के पास चिता बनाकर रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की पक्षधर थी। उनकी सेना में शस्त्रों से निपुण काफी महिलाएं थीं। रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी।
मणिकर्णिका ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति देकर भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के लिए चेतना जगाई और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।